आज के दिन की जो शुरुआत हो रही है वो सुबह के 9 बजने वाले हैं और अभी मौसम काफी सही हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि रात को काफी जोरदार बारिश लगी थी लेकिन अभी धूप लग गई है। और आज मुझे जाना है धान की मंडाई के लिए, क्योंकि पहाड़ों में जो आजकल ज्यादातर जो काम हो रहा है वो धान की मंडाई और कटाई का चल रहा है, तो आज हमारी मंडाई है, इसीलिए मुझे घर वालों के साथ हेल्प करने के लिए धान की मंडाई करना जाना है। कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मीर पहाड़। वैसे तो मंडाई के लिए सुबह जाना पड़ता है पर लेकिन सुबह मौसम खराब था, बारिश लगी हुई थी, तो इसीलिए सुबह नहीं जाना हुआ। और अभी मौसम खुला है तो आज वैसे भी संडे है तो इसीलिए हमें आज मंडाई के लिए जाना पड़ रहा है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि रास्ते में काफी सुंदर सा झरना है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर पर हमारे खेत हैं। मैं अभी बता देता हूं कि मुझे कहां पर जाना है। अपने खेत दिखाई दे रहे हैं, वो सारे खेत ध्यान के खेत हैं, कई लोगों ने मंडाई कर ली है तो मुझे भी वहीं पर पहुंचना है, तो चलते हैं धीरे धीरे आगे। वो सामने चोटी पे बादल लगे हुए हैं और एक साइड से धूप भी लगी हुई है। आजकल बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि नदी नाले और गदेरे काफी उफान पे हैं, इनमें काफी पानी बढ़ा हुआ है। अभी मैं घराट वाले पुल से आगे आ चुका हूँ और माँ तो अभी घर ही पे है, भाभी मुझसे काफी आगे चले गई हैं। ब्लॉगिंग के चक्कर में मैं काफी पीछे रह गया हूँ, भाभी काफी आगे पहुँच गए हैं और माँ अभी पीछे से आ रही हैं। यहाँ पर रास्ता काफी धसा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कीचड़ भी काफी हो रखा है और इसको पार करते हुए मुझे पहुँचना है खेतों में। के लिए सबसे टफ रास्ता यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं गदेरे की वजह से पूरा रास्ता बह चुका है। यहाँ पे रास्ता काफी डेंजर हो रखा है, पूरी मिट्टी बह चुकी है, किनारे किनारे से आना पड़ रहा है। मैं पहुंचने ही वाला हूँ खेत में और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा गांव किस प्रकार से दिखाई देता है। काफी दौड़ दौड़ के आना पड़ रहा है मुझे क्योंकि भाभी और माँ आगे चले गए हैं मुझसे। अब सामने से हमारे गांव का नज़ारा इस प्रकार से दिखाई देता है, सामने जो गांव है वो हमारा गांव है और इसी रास्ते से होते हुए मैं अभी खेत में पहुंच रहा हूं। पे फलियां आ रखी हैं, इसे हमारी पहाड़ी भाषा में तोर की दाल बोला जाता है, तो इस पे भी फलियां आ गई हैं। उन लोगों ने धान की मंडाई कर ली है तो उन लोगों ने धान का जो घास होता है उसको, जिसको पुआल बोलते हैं, उसको इस प्रकार से सुखाने के लिए डाल रखा है। तो यहाँ पर माँ ने एक जंगली जानवर को भगाने के लिए एक पुतला बनाया है जिसे हमारे पहाड़ी भाषा में डरणु बोला जाता है। इस प्रकार से खेतों में धान के कुनके लगाए जाते हैं, इन्हें कुनका बोला जाता है हमारी पहाड़ी भाषा में, और उसके बाद इसकी 4-5 दिन के बाद इसकी मंडाई की जाती है। ज्यादातर मिश्रित खेती की जाती है, धान के साथ आपने देखा कि तोर वाली दाल भी लगा रखी है और तिल के पौधे, इनपे फलियां पूरी आ गई है और कुछ दिनों बाद इनको काट के इनको सुखाने के लिए रखा जाता है। माँ भी पहुंच गई है, मानो दे तो माँ भी मुझसे आगे पहुंच गई है क्योंकि मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में पीछे रह गया हूँ।
बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि जगह जगह खेतों में भी पानी निकलना शुरू हो रखा है। ये वाला जो खेत है वो हमारा है, इसमें माँ ने काफी सारा तिल बोया हुआ है, आप देख सकते हैं। माँ और भाभी पहले ही खेत में पहुंच चुके हैं और इन्होंने मारना शुरू कर दिया है। काफी तेज धूप लग रही है जिससे आंखें बिल्कुल चिलमिला रही हैं। हल्का मारने के बाद उस पे हल्की लट्ठी से इसे साफ किया जाता है ताकि जो छूटे हुए बीज हैं वो निकल जाएं। काफ़ी तेज़ धूप हो गई है तो अभी मैं बैठ गया हूँ छाया पे, क्योंकि काफ़ी तेज़ लग रही है आज धूप। तो अभी हमने एक कुंड का मान लिया है, तो पूरे एक कुंड के पे इतना ही निकला क्योंकि ज़्यादातर जो धान था वो पूरा सुअरों ने बर्बाद कर रखा था। इसके बाद अब हमने इस वाले की मंडाई करनी है, तो अब दूसरे वाले कुनके की मंडाई शुरू हो रही है। तो त्रिपाल दूसरी जगह पे बिछाना शुरू कर दिया है। अभी मैंने आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाया कि धान को बिल्कुल जंगली जानवरों ने बर्बाद कर रखा है, इसीलिए धान कम हो रहा है और ज्यादातर खेतों में जो भी नुकसान है वो जंगली जानवरों की वजह से हो रखा है। तो मंडाई से जो भी पुआल निकलता है वो इस प्रकार से सुखाने के लिए डाल देते हैं। अभी माँ और भाभी उस पुआल को सुखाने के लिए डाल रहे हैं। तो नीचे खेत में भी लोग मंडाई पे लगे हुए हैं। तो मंडाई के साथ जख्या भी हो जाता है जिसको तड़के में लिया जाता है, तो उसकी भी सफाई हो रही है साथ साथ में। धान में जो खरपतवार होगा वो माँ उसको साफ कर रही है, उसके बाद इसे कट्टे में भरा जाएगा। तो अभी धान की मंडाई पूरी हो गई है, तो माँ धान को इकट्ठा करके कट्टे में भर रही है, उसमें जो खरपतवार था उसको निकाल के हल्का हल्का, और उसको अब कट्टे में भरेंगे और उसके बाद इसको घर में फिर से इसको सुखाया जाएगा और साफ किया जाएगा।
मुझे लग गई है थकान और मैं बैठा हूँ छाया पे। माँ और भाभी घास काटने में लग गए हैं क्योंकि मंडाई के साथ साथ गायों के लिए घास भी जरूरी है, तो इसलिए वो यहाँ से घास भी लेके जाएंगे। और मुझे तो काफी ज्यादा थकान लग रही है क्योंकि ऐसी आदत तो बनी नहीं होती है कि तो मैं आने की कभी कभार ही टाइम लगता है, जैसे धान की मंडाई या हल लगाने के टाइम ही आते हैं। इसलिए मुझे आज काफी ज्यादा भूख भी लग रही है और काफी थकान भी लग रही है। माँ और भाभी घास की कटाई पे लग गए हैं और अब हमें जाना है सामने गांव। ये है हमारा गांव। इस वाले खेत से पानी निकलता है तो यहाँ से हम पानी पीते हैं। यहाँ देखो कितना शुद्ध पानी निकल रहा है, बिल्कुल प्योरीफाई वाला जैसा पानी है। तो आज की धान की मंडाई वाला काम पूरा हो गया है और अब घर जाने की तैयारी हो गई है। तो आज का धान की मंडाई वाला वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।